कि यूपीए के समय अतीक अहमद ने वोट देकर मनमोहन सिंह सरकार की रक्षा की थी। सच्चाई यह है कि अतीक अहमद ने यूपीए के खिलाफ वोट किया था, यानी जिस तरफ बीजेपी खड़ी थी उस तरफ अतीक अहमद था। दोस्तों, जितना अतीक के तीनों गुनहगारों की गलती है, उससे कहीं ज्यादा गुनाह हमारे देश की गोदी मीडिया की है। देखा नहीं था आपने, अतीक की आज हत्या होगी, अतीक की कल हत्या होगी, अतीक का आज एनकाउंटर हो जाएगा, अतीक को ऐसे खात्मा किया जाएगा, अतीक को ऐसे मारा जाएगा, ये वो करके बस अतीक की हत्या से शुरू खबर, अतीक की हत्या पर खबर खत्म हो रही थी। गोदी चैनल्स पर बार बार यही रिपीट किया जा रहा था कि आज हत्या कल हत्या, ऐसे होगी वैसे होगी। गोदी मीडिया एक ऐसा झूठ का पिटारा है दोस्तों, जहां मुंह खोलने पर सच की उम्मीद आप छोड़ दीजिए तो बेहतर है, क्योंकि यहां से निकली हर वो खबर, हर वो न्यूज बस झूठ और मक्कारी से भरी हुई रहती है। गोदी मीडिया का आपने अतीक को लेकर खबर तो देखा ही है, सुसु पौटी वाली रिपोर्टिंग से लेकर अतीक की हत्या को लेकर एक से बढ़कर एक खबर चलाई गई। अब तो एक से बढ़कर एक किस्से अतीक को लेकर सुनाए जा रहे हैं। जो इस दुनिया में है भी नहीं, उसकी हत्या हो गई है, वो मिट्टी में मिल गया है। अब उसी अतीक को लेकर ऐसा ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है दोस्तों, जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। गोदी चैनल्स पर सिर्फ और सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ के सिवा कुछ नहीं परोसा जा रहा है। आज आपको एक ऐसा झूठ दिखाऊंगी दोस्तों, जिसको रविश कुमार ने भी पकड़ लिया, और इसी झूठ का पर्दाफाश रविश कुमार की तरफ से गोदी चैनल्स का किया गया है, जहां पर अतीक को लेकर ये झूठ फैलाया जा रहा है। खबर ये चलाई जा रही है कि 2008 में अतीक अहमद ने कांग्रेस के सपोर्ट में वोट किया था, कांग्रेस के समर्थन में वोट किया था, कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए। लेकिन रविश कुमार ने अपने रिपोर्ट के जरिए ये कहते हुए दावा किया, और तमाम रिपोर्ट का हवाला देते हुए, अखबारों के हवाले देते हुए उन्होंने लिखा कि कैसे जो है, पहले अखबारों ने, गोदी चैनल्स ने अतीक को लेकर कहा कि वो मनमोहन सरकार के सपोर्ट में वोट कर रहे थे, यूपीए के समर्थन में वोट कर रहे थे। अब कुछ अखबारों ने अपनी गलती तो सुधार ले, लेकिन कुछ ने तो मुनासिब ही नहीं समझा कि वो अपनी गलती सुधार सके। दोस्तों, अतीक अहमद ने 2008 में कांग्रेस के खिलाफ वोट करके भाजपा के पक्ष में अपना वोट दिया था, यानी कि भाजपा को अपना समर्थन दिया था, यानी भाजपा के समर्थन में अतीक अहमद थे। मीडिया में खबर जोरों शोरों से चलाई जा रही है, 2008 के दौरान मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार संकट में तब आ गई थी जब अतीक अहमद सांसद थे, और उसने सरकार बचाने के लिए यूपीए सरकार का समर्थन किया था, यानी कि कांग्रेस सरकार का समर्थन किया था। दावा यह किया जा रहा है कि 2008 में जब तत्कालीन सरकार जो थी अमेरिका के साथ उसके परमाणु समझौते पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, यानी कि मनमोहन सरकार पर, तब अतीक अहमद सरकार बचाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। ये दावा एक पुस्तक बाहुबलीज ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स फ्रॉम बुलेट टू बैलेट में किया गया है। हालांकि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है, जरा सा भी, एक तिनका बराबर भी सच्चाई नहीं है। संसद के रिकॉर्ड के अनुसार अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये दावा बिल्कुल गलत है। लोकसभा के रिकॉर्ड से पता चलता है कि अतीक अहमद ने वास्तव में विश्वास मत में कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अपना मतदान किया था। लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 22 जुलाई 2008 को सदन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की। सरकार ने विश्वास मत 275 से 256 से जीता था। प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वालों की सूची में अतीक अहमद का भी नाम है, जो उस वक्त मनमोहन सरकार के खिलाफ वोट करते हुए लोकसभा के अंदर नजर आए थे। लेकिन गोदी मीडिया के सूत्र जो है ना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आते हैं, वहां से उनको भर भर कर ज्ञान आता है और ज्ञान जनता तक ठेल दिया जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ना कोई फैक्ट चेक करने वाला, ना ही कोई उनके झूठ को पकड़ने वाला, लगे रहो भैया, रोकने वाला कौन है। हाँ, कभी कभी बीच में नफरती डिबेट कह कह कर 20-25-50-75 हज़ार का जुर्माना ज़रूर लगा दिया जाता है, लेकिन नफरत और झूठ का डोज कहीं से कहीं तक कम होने वाला नहीं है, वो सदा बाहर है। जितना झूठ बोल सकते हैं बोलते जाओ, जनता को बेवकूफ़ बनाना है बनाते जाओ, जनता तो है ही बेवकूफ़। जनता कहाँ मुद्दों पर बात करती है, जनता को यही तो कहते हैं कि वो कहाँ मुद्दों पर बात करना चाहती है, जनता कहाँ महंगाई खोज रही है। जनता को ना महंगाई से परेशानी है, ना बेरोजगारी से परेशानी है, ना किसी चीज़ से परेशानी है। जो चल रहा है देश में उससे जनता खुश है, और इसी खुशी के मारे लहालोट गोदी एंकर ऐसी ऐसी झूठ खबरें फैलाते हैं, जिसका झूठ जो है दोस्तों बिना सर पैर वाला झूठ होता है।
जिससे सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। पहले लोग खबर देखते थे सच जानने के लिए, लेकिन अब आप लोग जो खबर देखते हैं ना, वो झूठ जानने के लिए कि कौन से टेलीविज़न पर सबसे ज़्यादा झूठ कौन फैला रहा है, कौन से TRP के नंबर में सबसे हाई रेटिंग वाला झूठ परोस रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।